हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स लेकर आई हूँ। उनकी करेंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो चलिए यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखती हूँ। इंचेस गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए, ये पर्सन आपके तरफ कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग का कॉल मैसेज आ चुका है, ठीक है। कुछ लोग की रात में कॉल आई है, कुछ लोग की मॉर्निंग में आई है, कुछ लोग को इवनिंग में आई है। यहाँ पे कॉल की एनर्जी है, और यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए खास हो सकते हैं, 2 नंबर खास हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर आपके लिए खास हो सकते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, शादी और कमिटमेंट को लेकर ये सोच जरूर है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त वो शादी और कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जहां ये पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है। और ये कहीं कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि मैं बिजी हूं, लेकिन ये बिजी रहकर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि इस वक्त वो कहीं ना कहीं मैरिज और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा हो ये आपके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं। ये थोड़ा टेंशन भी ले रहे हैं, मूड स्विंग्स इनके भी हो रहे हैं। टेंशन की वजह से कोई काम में वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे। मेरे कुछ व्यूअर्स, हो सकता है कि आपको हैवी एनर्जी महसूस हो, तो अगर अचानक से आपकी हैवी एनर्जी महसूस हो रही है और कभी कभी मूड स्विंग्स आपके भी हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा डाउन एनर्जी उनकी दिख रही है। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये पर्सन आप अपने पार्टनर की, इस पर्सन की आप एनर्जी पिक कर रहे हो। देखिए डियर, यहाँ उलझने बहुत है, ठीक है। उनके लाइफ में उलझने बहुत है, और इनको ट्रिगर भी मिल रहा है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स, आपको भी ट्रिगर मिल रहा है, तो यहाँ भी मिरर की एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी जो आई है आपके रिश्ते में, वहां विश्वास और शक की आई है, जहां से आप लोग में डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और ये पर्सन इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ निगेटिव थॉट्स, कुछ निगेटिव लोग, कुछ निगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर को रोक रही है। यहाँ भी आप दोनों मिरर कर रहे हो। अगर आपको अचानक से एंजाइटी हो रही है, रोना आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, फाइट करने का दिल कर रहा है, कुछ सुनाने का किसी को दिल कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हो, क्योंकि वो कभी कभी किसी से नहीं कुछ बोल पाते हैं, तो खुद को, अपने आप को फाइट करते हैं, खुद पर, मतलब अपने आप को ट्रिगर करना, गुस्सा करना, खुद को ये ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप एक बार बात कर लो, और सही समय अब आ चुका है। ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अब सही समय आ चुका है, सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन ये चाहते हैं कि आप एक बार उनको मना लो, एक बार बात कर लो, उन्हें वही पैम्पर, वही प्यार, वही सपोर्ट आप उनको फिर से दे दो। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में उलझन है, लेकिन यहाँ कंट्रोल करना है डियर, कि आपको ट्रिगर मिल सकता है, या फिर किसी से फाइटिंग हो सकती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस बीच आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, और यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड को ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है। हो सके तो इस वक्त आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ट्रिगर मिल सकता है, या फिर अगर आपके पार्टनर को ट्रिगर किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो अपने लाइफ में स्टक है, दुखी है, परेशान है, तो ये पर्सन की एनर्जी आप पिक कर सकते हो, क्योंकि इस एनर्जी में मिरर बहुत कुछ दिखा रहा है। और ये पार्टनर को पता है कि आप उनके अनकंडीशनल लव हो, और ये आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वजह ये है कि अगर वो आपको डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की। और कहीं आप कोई बात रख दो, कोई ऐसी बातें सुना दो, अगर वो इस वक्त नहीं कर पाएंगे, तो ये और अपने लाइफ में परेशान हो जाएंगे, और ये खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव थॉट्स, कुछ निगेटिव एनर्जियां, कुछ मैनिपुलेट लोग, कुछ आपके पार्टनर को ट्रिगर भी कर रहे हैं, और इस वक्त खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मैं जैसे बहुत खुश हूं,
किसी और को ऐसा जता रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में खुश हूं, काम पर फोकस हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर भी चिंतित हैं और आप को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि वो आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, दिल से यही चाह रहे हैं। मतलब इसी तरह की प्लानिंग आपके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं, तो ये कभी भी किसी समय हो सकता है आप लोग ये नंबर बहुत खास हो, हो सकता है कि आपकी तरफ ये कॉल मैसेज कर दे, एक्शन लेने इनका मूड स्विंग हो जाए और आपसे ये बात करें। तो ये पर्सन आपसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं और फैमिली की बात आपको शेयर कर सकते हैं। इनको किस शेयर करना है, ठीक है, अपने निगेटिविटी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल की इच्छा है कि आपसे वो कुछ बात शेयर करे जो कि फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है कमिटमेंट मैरिज को लेकर आपको कुछ बातें समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, वर्ड पे थोड़ा शब्द पे काबू रखना है कि छोटी, देखिए मूड स्विंग्स होते हैं, जहां डिप्रेशन टेंशन होता है, झगड़े फाइटिंग होते, थोड़ी थोड़ी बातों पे फाइट हो सकते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। अगर आपसे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है कोई बात नहीं है, लेकिन आप गाइडेंस को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।